नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आज फिर वैद्युत रसायन केमिस्ट्री का जो तीसरा पार्ट है उसको लेकर आए हैं। इसमें का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दो 90% के सेट हैं। आपको इसमें से टॉप 8 दिए गए हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप अगर याद कर लेते हैं तो इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपको इस पार्ट से इतने ही क्वेश्चन याद करने हैं। इसी तरह हमने पिछले भी पार्ट्स बनाए हैं, जो इसके पिछले अध्याय के पिछले इकाई जो हैं उनमें से कौन से क्वेश्चंस आपको याद करने हैं उसका भी पार्ट्स बना के चैनल पर डाल दिए हैं। और आप चैनल देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, इस पर आपको हाई स्कूल और इंटर से प्रिपरेशन संबंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन NCERT का मिलेगा। तो आज आपका वैद्युत रसायन जो पार्ट है इसमें से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो क्या क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले कि आपको आगे बढ़ें, हम बताते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, कुछ भी कमेंट, आप गलत सही कमेंट करें, जैसा आपकी भावना हो वैसा कमेंट करिए, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लाइक डिसलाइक कमेंट जो कुछ भी है। तो वीडियो में क्या है, पहले वीडियो देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को हम दिखाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपका ये है पहला, इसमें आपका कोहलारस नियम की परिभाषित करना है और यह नियम किसके लिए उपयोगी है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को आपको याद करना है और इसे थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। ये क्वेश्चन आपको चाहे विद्या क्वेश्चंस, अवतार या तरह तरह की पुस्तक में जहाँ से भी मिले, तहाँ से नोट्स में से जहाँ से भी मिले, इस क्वेश्चन के आपको आंसर को ढूंढ करके याद कर लेना है थोड़ा। पर इसमें कभी ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो इसी में कहा ये इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतर हैं, इन अंतरों में है वैद्युत अवघटनी तथा वैद्युत रसायन शैली में अंतर, वैद्युत विभव वाहक, विद्युत वाहक बल में ये विभव और विद्युत वाहक बल में सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला है, ये आपको ज़रूर से याद कर लेना है। और ये जो दो अंतर हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, तीन अंतर हम दिए हैं, तीन अंतर में से आपको एक अंतर अगर आना है तो आ जाएगा। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके दुरुपयोग भी लिखिए, ये आपको याद कर लेना है जो बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद आपको ये आपका न्यूमेरिकल्स है, इस न्यूमेरिकल को आपको हल करके देख लेना है कैसे है। वियोजन मात्रा पर, वियोजन स्थिरांक पर आपको एक सवाल लगा कर देख लेना है, इसको आपको देख लेना। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और बनता है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल जिन कार्बन सुस सेल में एनोड तरह कतों पर होने वाली क्रियाएँ लगी, इसको आपको याद करना है। तो इस तरह से हमने सेवन ही क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ऊपर वाला, सबसे दो क्वेश्चन हैं उसको और बाकी सेवन क्वेश्चन और है। इस तरह से इतने क्वेश्चन से आप अगर इतने क्वेश्चन में याद करते हैं तो इस पार्ट से केवल इतने ही क्वेश्चन में से आपको आएंगे, बाकी अगला पार्ट लेकर हम आएंगे और इसके बाद भी जो पार्ट आएगा उसको भी लेकर आएंगे। तो हर प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर स्टे रहिए, चैनल हमारा टेक्नो प्लस स्टडी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और चैनल से और भी वीडियो, हाई स्कूल इंटर संबंधी प्रिपरेशन, हाई स्कूल इंटर संबंधी वीडियोज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर दिन एक नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और कंप्यूटर मोबाइल संबंधी कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, बाकी आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी, उसमें आपको टेक्निकल प्लेलिस्ट में जाना है तो आपको मिल जाएंगी, इसमें आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए संतोष कुमार पटेल को दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे इसी तरह अगली नेक्स्ट आपके लिए एक प्रॉफिटेबल वीडियो लेकर के। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।